सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हमने बनाया एक पावरफुल वाटर पंप जिसका पावर आप वीडियो के शुरू में देख ही चुके होंगे कि हमारा वाटर पंप कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और कितनी तेज़ी से वाटर को पंप कर रहा। तो फ्रेंड्स, इसे हमने कैसे बनाया तो फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और आज की इस वीडियो का हम लाइक हम रखते हैं सिर्फ 200। तो वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो अपनी चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वाटर पंप बनाने के लिए हम 775 डीसी मोटर का यूज़ में ले रहे हैं, जिसे हम 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं। और इसके बाद हम 2 इंची का पीवीसी पाइप ले रहे हैं, जिसे हमें 2 सेंटीमीटर पर एक मार्क कर देना है, और मार्क कर लेने के बाद इसे आरी की मदद से कट कर लेना है, जो कि हमने कुछ इस प्रकार से कट कर लिया है। और अब हमें इसका नाप ले लेना है, जो कि करीब 6 सेंटीमीटर से भी अधिक है। और अब हमें लेना है एक प्रकार, और प्रकार को हमें कर लेना 3 सेंटीमीटर का। और अब हमें लेना है एक प्लास्टिक सीट, जो कि मैंने पीवीसी पाइप को कट करके गैस पर गर्म करके इसे प्लेन बना लिया है। और इस पर हमें प्रकार की मदद से एक गोला खींच लेना है, और इसी प्रकार से हमें एक और गोला खींच लेना है, और इन दोनों गोलों को कटर की मदद से कट कर लेना है, जो कि हमने अच्छी प्रकार से कट कर लिया है। और इनके मिडल पॉइंट पर भी हमने एक मार्क कर लिया है, और जो हमने पाइप कट किया था उस पर इस कैप को कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है, और इसे सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका देना है, जो कि हमने अच्छी तरह से चिपका लिया। और ये हमारा 2 इंची का एंड कैप बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो मार्केट से भी 2 इंची की एंड कैप खरीद सकते हो। और इसके बाद हमें मोटर की वायरिंग होल्डर का नाप ले लेना है, जो कि करीब 1.5 सेंटीमीटर है। तो प्रकार की मदद से एंड कैप के मिडल पॉइंट पर हमें एक 1.5 सेंटीमीटर का गोला खींच लेना है, और गोला खींच लेने के बाद इसे ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेना है। फ्रेंड्स, हमारे पास ड्रिल मशीन नहीं है तो हम जुगाड़ करके एक होल कर ले रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हमने होल कर लिया है। और इसे अपनी एंड कैप को मोटर पर फिक्स करके देख लेना है, जो कि अच्छे से फिक्स भी हो जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हमें मोटर के दोनों स्क्रू का नाप ले लेना है, और अपनी एंड कैप पर मार्क कर लेना है, जो कि हमने कुछ इस प्रकार से मार्क कर लिया है। अब हम मार्क किए हुए निशान से हमें ड्रिल मशीन की मदद से स्क्रू की साइज के 2 होल कर लेने हैं, जो कि हमने अच्छी प्रकार से होल भी कर लिए। सो फ्रेंड्स, वाटर पंप को एयर टाइट बनाने के लिए हम साइकिल का ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, जिसे हमें कैंची की मदद से गोल कट कर लेना है, जो कि हमने अच्छी प्रकार से कट कर लिया है। और इसे अपनी एंड कैप पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है, और इसके बाद एंड कैप के 3 होल को हमें मार्कर की मदद से मार्क कर लेना है, और इसे कट कर लेना है, जो कि हमने कुछ इस प्रकार से कट कर लिया। और इसी प्रकार से हमने एक प्लास्टिक का टुकड़ा भी कट कर लिया है। और इसके बाद हमें एंड कैप को अपनी मोटर पर फिक्स कर देना है, और फिक्स कर लेने के बाद हमें ट्यूब पर सुपर ग्लू लगा देना है। लेकिन हमें मोटर की शाफ्ट की जगह सुपर ग्लू नहीं लगाना है, और सुपर ग्लू लगा लेने के बाद हमें ट्यूब को एंड कैप पर चिपका देना है कुछ इस प्रकार से। ट्यूब को चिपका लेने के बाद हमें ट्यूब के ऊपर भी हमें सुपर ग्लू लगा देना है, और जो टुकड़ा हमने कट किया था उस टुकड़े को भी हमें चिपका देना है। और अब हमें स्क्रू की मदद से हमें इसे अच्छे से कस देना है, और कस लेने के बाद इसे पेचकश की मदद से अच्छे से टाइट भी कर लेना है, जो कि हमने कुछ इस प्रकार से दोनों स्क्रू को कस लिया है। फ्रेंड्स, हमें वाटर पंप का आउटपुट बनाने के लिए हम 35 mm के पीवीसी पाइप को ले लेना है, और इसे 7 सेंटीमीटर पर एक मार्क कर देना है, और इसे कट कर लेना है, जो कि हमने अच्छी प्रकार से कट कर लिया। और इसे हमें एक साइड से कुछ इस प्रकार से तिरछा कट कर लेना है, जो कि हमने कुछ इस प्रकार से कर लिया है। और इसे अपनी एंड कैप पर कुछ इस प्रकार से रख लेना है, और इसे एक पेन की मदद से इसे मार्क कर लेना है, जो कि हमने कुछ इस प्रकार से मार्क कर लिया। और इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से कट कर लेना है, और इसे एक छोटी वाली रेत की मदद से अच्छे से फिनिशिंग दे देना है। और फिनिशिंग देने के बाद हमने जो पाइप कट किया था उसे इस पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है, और सुपर ग्लू की मदद से इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना, ताकि हमारा पानी लीकेज ना हो। तो फ्रेंड्स, हमने पाइप को तो अच्छी तरीके से चिपका लिया। अब हमें इसका प्रोपेलर बना लेना है, जिसके लिए हमें चाहिए एक कैप, और इस कैप की साइज़ इतनी होनी चाहिए।
चाहिए ताकि हमारे एंड कैप के अंदर फिक्स हो सके। और इसके मिडल पॉइंट पर एक होल कर लेना है जो कि हमारी मोटर की शाफ्ट की साइज का होना चाहिए। और लेना है एक पाइप का टुकड़ा जो कि मैंने 1 सेंटीमीटर का कट कर लिया है। और अब हमें कैप की एक साइड को नाप लेना है जो कि करीब 2 सेंटीमीटर, तो इस पाइप पर हमें 2 सेंटीमीटर पर 2 मार्क लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। और मार्क लगा लेने के बाद हमें कटर की मदद से दोनों साइड से इसे कट कर लेना है जो कि हमने कुछ इस प्रकार से कट कर लिया है। इसी प्रकार से हमने कुछ 8 टुकड़े कट कर लिए हैं। और इन सभी टुकड़ों को अपने इस कैप पर हमें एक एक करके सभी को सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रोपेलर बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिर अपनी मोटर की शाफ्ट पर इसे फिक्स कर देना है और इसे सुपर ग्लू की कुछ बूंदें डालकर इसे अच्छे से चिपका लेना है जो कि हमने इसे चिपका लिया है। और अब हमें लेना है एक कैप जो कि मैंने शुरुआत में ही इसे कट कर लिया था, और लेना है एक पाइप कनेक्टर जो कि 2 पाइपों को आपस में कनेक्ट करने के काम में आता है। इसे अपनी कैप पर कुछ इस प्रकार से रख लेना है और इसे पेन की मदद से मार्क कर लेना है। मार्क कर लेने के बाद इसे सोल्डर आयरन की मदद से गोल एकदम होल कर लेना है और इसे रेत की मदद से अच्छे से फिनिशिंग दे देना है। फ्रेंड्स, हमने कैप में तो अच्छी तरीके से होल कर लिया। अब हमने जो पाइप कनेक्टर को कट किया था उसको हमें अपनी कैप पर कुछ इस प्रकार से रखकर सुपर ग्लू की मदद से इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना है जो कि हमने चिपका लिया। और अब हमें इसे अपनी एंड कैप पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है और इसे सुपर ग्लू की मदद से चारों तरफ अच्छी तरीके से चिपका लेना है ताकि हमारा ये कैप एंड कैप से निकले ना। तो फ्रेंड्स, इसे तो हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया। अब हमें इसके चारों तरफ एयर गैप पर हमें ग्लू गन से अच्छी तरीके से चिपका देना ताकि हमारा वाटर पंप लीकेज ना हो, जो कि हमने अच्छी तरीके से इसे ग्लू गन से चिपका दिया। अब हमारा वाटर पंप लीकेज नहीं होगा। और अब हमें मोटर के दोनों सिरों पर 2 वायर को सोल्डरिंग कर देना है जो कि हमने अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया। सोल्डरिंग कर लेने के बाद इसे चलाने के लिए हम 3.7 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर रहे हैं जो कि मैंने 3 बैटरियां ले ली हैं। और तीनों बैटरियों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया जो कि 10.5 वोल्टेज तक निकाल देगी। और इसे अपनी मोटर से कनेक्ट कर देना जो कि आप इसका साउंड सुन ही सकते हैं कि हमारा वाटर पंप कितना पावरफुल है। तो चलिए फ्रेंड, फिर हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा वाटर पंप कितना पावरफुल है और ये कितने प्रेशर से पानी को फेंक रहा है। तो फ्रेंड्स यार, इस वाटर पंप के लिए एक लाइक तो बनती है, तो वीडियो को फटाफट से कर दो लाइक। और चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ।